मेरी सास होगी तने मैं तेरा मारूंगा रे बना वीडियो अरे मेरी घर अयासी करी कोई बात नहीं कल भी तो नहीं इस बात के बारे में कोई बात नहीं मैं बताऊंगा हाँ वीडियो बनाओ तेरी खोल गाड़ी प्रदीप खोल गाड़ी मार क्यों हो गया मेरी गाड़ी मेरा नाम चौधरी सारा पीसा लुटा दिया इसने छोड़ तो चले किस नंबर है गाड़ी ऐसी सा कुकर हो गया तने तस्वीर च वेख सकते हो किस तरीके दे नाल इस पति ने अपनी पत्नी की कुटमार की है तो शक के आधार से इसने अपनी पत्नी की कुटमार की है तो पत्नी एक शख्स के नाल गड्डी दे विच बैठी सी तो यह शख्स बेसबॉल लेके आता है तो पहले तो कार का शीशा भन्नदा है जिस तो बाद यह कार चो बाहर कढ के अपनी पत्नी नाल बुरी तरीके दे नाल कुटमार करता है जिस तो बाद यह पत्नी जोर जोर की चीका मारती है पर उस दे नाल शख्स वो भी इसनू बचा नहीं पाता वह साइड से खड़ा तमाशा वेखता रहिंदा है ते यह पति अपनी पत्नी की लगातार कुटमार करता है ते उसनू गंदियां गंदियां गाला भी कढ़दा है तो मौके की तस्वीर भी सामने आई ने वेख सकते हो किस तरीके दे नाल इस शख्स के वलों अपनी पत्नी की कुटमार की गई है बेसबॉल के नाल अपनी पत्नी नू कुटता हुआ नज़र आ रहा है तो मौके पर एक वीडियो भी बनाई गई है जो कि सोशल मीडिया से तेजी दे नाल वायरल हो रही है तो दस दिए कि पूरा मामला लुधियाना तो सामने आया सी जिते पति नू अपनी पत्नी ते शक हुंदा है तो मौके पर वो पहुँच जाता है तो पत्नी किसी शख्स के नाल कार दे विच बैठी हुंदी है तो यह शख्स फिर पहला तो कार का शीशा भन्नदा है जिस तो बाद पत्नी नू कार चो बाहर कढ़दा है तो डंडियां दे नाल उसकी बुरी तरीके दे नाल कुटमार करता है तो मौके की एक वीडियो भी सामने आई है जो कि किसी शख्स के वलों बनाई गई है हुण सोशल मीडिया से तेजी दे नाल वायरल हो रही है तो यह वीडियो पुलिस के हाथ भी लग जाती है तो पुलिस के वलों फिर तुरंत कार्रवाई की गई है तो मामला दर्ज करके इस पति नू गिरफ्तार कर लिया तो वेखो किस तरीके दे नाल इस दे वलों अपनी पत्नी दी कुटमार की गई जो हमें पत्नी की तरफ से शिकायत मिली थी उस पर हमने एफआईआर दर्ज कर दी है और पति को भी अरेस्ट करके जल्द ही मामले की पूरी गहनता से तफ्तीश करने करके जो भी मामला हमें सामने आएगा उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे उस पर पति के ऊपर आरोप लगाए हैं मारपीट के जी उस उनके अनुसार कार्रवाई करें कोई एक वीडियो आज ही मेरे संज्ञान में आया है उसके रिकॉर्ड में लेके अनुसार उसके अनुसार कार्रवाई करें।